सुशांत सिंह राजपूत केस में अब रिया को लेकर एक बहुत बड़ी बात सामने आई है। दरअसल मुंबई पुलिस के सूत्रों से एक बात सामने आई है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो मुंबई पुलिस के शक के घेरे में थी। जी हाँ, मुंबई पुलिस के शक के घेरे में थी रिया चक्रवर्ती, और इस तरीके की बात जो है अब सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक मुंबई पुलिस की जो जाँच चल रही थी उसमें रिया को उन्होंने क्लीन चिट नहीं दी थी, उनको भी रिया पर शक था, लेकिन वो जांच जो है जारी थी। और वो जो है साथ साथ इस बात का भी दावा हो रहा है कि जांच की हर चीज़ बाहर लाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन रिया चक्रवर्ती पर शक मुंबई पुलिस को भी था और वो उनके शक के घेरे में थी, उन पर नज़र रखी जा रही थी और साथ में सारी चीज़ें को जो है सारे सबूत जुटाने का काम भी चल रहा था। तो अब सूत्रों से ये बात सामने आई है कि सुशांत सिंह राजपूत के पिता ने जिस रिया पर एफआईआर दर्ज कराई वो मुंबई पुलिस के शक के घेरे में भी थी। इस तरह की बातें जो है अब सामने आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि जो डीसीपी और रिया के बीच में जो बातचीत हुई वो जांच को लेकर ही हो रही थी। इतना ही नहीं, अगर जो है बिहार पुलिस नहीं आती तो मुंबई पुलिस जिस तरीके से जाँच कर रही थी वो रिया के बारे में जो है चीज़ें जुटाने की ही कोशिश कर रही थी। तो एक बहुत बड़ी बात जो है सामने आई है और वो ये है कि मुंबई पुलिस ने रिया को क्लीन चिट नहीं दी थी, उनके शक के घेरे में थी रिया और उसी के खिलाफ सबूत भी जो है मुंबई पुलिस लगातार जुटा रही थी।